अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्लिम ब्लॉगर। और साथ के साथ आप तमाम इन्वेस्टरों से गुजारिश की जाती है, खुसूसन जो IMA के न्यूज हमारे चैनल पे फॉलो करते हैं, कि आपको जो है इतला दी जाती है कि इस यूट्यूब चैनल पे IMA की न्यूज़ कम आया करेगी, हफ्ते में एक बार आया करेगी इंशाल्लाह। और जो रोज़ाना अपडेट्स होंगी IMA की, वो नए चैनल IMA न्यूज़ डिजिटल में आया करेगी। उस चैनल नए चैनल का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाएं और क्लिक करें। बहुत सारे लोग जो है उस चैनल को नए चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। इस चैनल में देंगे अपडेट्स, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसमें अपडेट्स IMA की सिर्फ हफ्ते में एक बार ही आया करेगा। तो आपसे एक तो ये अपील हो गई। दूसरी चीज़ जो है, नए चैनल IMA न्यूज़ डिजिटल में इंशाल्लाह मैं आज रात 9 बजे आप लोगों के सामने बहुत सारे चीज़ों का जो है खुलासा करने वाला हूँ, बातचीत करने वाला हूँ। इंशाल्लाह 9 बजे लाइव हमारा प्रोग्राम रहेगा और बहुत चीज़ें जो है आपसे बताना ज़रूरी मैं मुनासिब समझता हूँ। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो कमेंट बॉक्स में नया यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात आती है मेन मुद्दे की, बात IMA की अपडेट। हालांकि इस अपडेट को मैं 2 दिन पहले ही इस यूट्यूब चैनल में दे चुका हूं, सैयद मुजाहिद के बारे में, इश्तियाक पहलवान के बारे में और बाकी के 4 जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी। खैर, आज इंडियन एक्सप्रेस में जो है एक आर्टिकल आया है, न्यूज़ आई है, वो आपके सामने जो है मैं पढ़कर सुना देता हूँ। 6 लोग जो है IMA के मंसूर खान के खिलाफ सरकारी गवाह बने हैं और IMA के इन्वेस्टरों को इंसाफ मिलने में इससे आसानी हो सकती है। हो सकता है कि और भी पैसा जो है इकट्ठा हो सकता है, रिकवरी हो सकता है और इंसाफ मिलने में जो है आसानी हो सकती है। बट शर्त यह है कि ये जो सरकारी गवाह बने हैं ये जो है कुछ मैनिपुलेशन ना करें और सच्चाई का जो है साथ दे और अल्लाह से डर के जो है जो भी गवाह देंगे वो सच बताएंगे। अब बात आती है कि उनका ईमान कितना पक्का है, उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हकीकत में जो है ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब चलिए अभी खबरों की तरफ चलते हैं। 6 टर्न अप्रूवर्स गेट पार्डन्स इन बेंगलुरु IMA केस। The court directed the CBI to make necessary arrangements for recording the statement of those accused by a magistrate. ठीक है, कोर्ट ने जो है CBI को directions दिया है 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें इन 6 लोगों का, क्योंकि ये लोग जो है सरकारी गवाह बनने के लिए आगे आए हैं। ये स्पेशल कोर्ट फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केसेस स्टैंडर्ड पार्डन्स टू 6 accused इन द IMA स्कैम एज दे अग्रीड टू बिकम अप्रूवर्स। यानी कि जो है स्पेशल कोर्ट जो CBI की है, उन्होंने जो है 6 लोगों को जो है माफ करने के लिए तैयार हो जाती है, जो IMA के केस में उनको जो है एक गुनहगार के शक्ल में जो है कोर्ट में जो है इनकी ट्रायल चल रही है, तो इनके तमाम गुनाहों को माफ करने को कोर्ट तैयार है, CBI तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि वो जो है सरकारी गवाह बने और मंसूर खान के खिलाफ जो भी इनके पास सबूत है वो तमाम चीजें जो है मैजिस्ट्रेट के सामने जो है 164 स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट दे दें, रिकॉर्ड करें। तो ये हो गया इसका सिंपल सा मतलब, ये लाइन करता। अक्यूज्ड वर चार्ज शीटेड बाय द CBI एंड IPC सेक्शंस एंड द कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इनके ऊपर केस बुक हुआ था KPAD एक्ट में, ये तो सब लोगों को पता है। द कोर्ट डायरेक्टेड द CBI to make necessary arrangements for recording the statement of those accused by a magistrate, Judge B. Jayant Kumar tendered the pardon. Judge Jayant Kumar ji जो हैं उन्होंने जो है माफ करने के लिए जो है orders issue किए हैं, subject to their, मतलब उसमें condition लगाया है कि उन्होंने जो है सब कुछ जो है making full and true disclosure relating to the offence, मतलब जो है हर चीज जो है सच्चाई जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके हर चीज जो है डिटेल में, पिन टू पिन जो है डिटेल पे जो है मंसूर खान के खिलाफ जो भी इनके पास सबूत है, जो भी इनके पास गवाह है, वो तमाम चीजें जो है स्कैम के बारे में डिटेल पिन टू पिन जो है ये जाके दे, ये जो है कोर्ट ने जो है फैसला किया है। द अक्यूज्ड टर्न्ड अप्रूवर्स आर निजामुद्दीन असीमुद्दीन एंड नासिर हुसैन, डायरेक्टर एंड ऑपरेशंस मैनेजर ऑफ IMA प्राइवेट IMA ग्रुप बोल सकते हैं इसको,
एंड अदर कंपनीज। नवीद अहमद नाटम का चीफ अकाउंटेंट ऑफ आईएमजी ग्रुप्स, वसीम सेक्रेटरी एंड कमिटी मेंबर ऑफ आईएमए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सैयद मुजाहिद ए नॉमिनेटेड फार्मर कॉरपोरेटर ऑफ बीबीएमपी एंड इश्तियाक अहमद हस्बैंड ऑफ ए फार्मर कॉरपोरेटर ऑफ बीबीएमपी। इश्तियाक अहमद यानी कि इश्तियाक पहलवान जी। तो सैयद मुजाहिद, इश्तियाक पहलवान जी, वसीम, वसीम भाई कहेंगे अभी इनको, इनको जो है क्योंकि ये गवाह बन रहे हैं, नवीद भाई हैं, नाटककार हैं वो हैं, फिर निजामुद्दीन भाई हैं, नासिर हुसैन भाई हैं, ये तमाम लोग जो हैं मंसूर खान के खिलाफ गवाही देने को जो है कोर्ट में अपील की थी। इसके बदले में उन्होंने जो है उनके सारे गुनाहों को माफ करने के लिए अपील किया था। उनके गुनाहों को माफ करने के लिए कोर्ट तैयार है, शर्त ये है कि मतलब वो मंसूर खान के खिलाफ जो भी उनके पास सबूत है, जो भी उनके पास एविडेंसेस है, वो सीबीआई को जो है मैजिस्ट्रेट के सामने 164 स्टेटमेंट दे। ये बहुत अच्छी खबर है। द प्रोसिक्यूशन इज कॉन्फिडेंट दैट दे वुड गेट अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर फ्रॉम द अक्यूज्ड। दे ऑल्सो बिलीव दैट द एविडेंस गिवन बाय द अक्यूज्ड इज हेल्पफुल फॉर द कोर्ट टू कम टू द राइट कंक्लूजन, द कोर्ट नोटेड। मतलब जो है कोर्ट में जो है ये वादा किया गया था कि इन 6 लोगों का गवाह जो है, सरकारी गवाह बनना जो है मंसूर खान के खिलाफ और जो है सबूत इकट्ठा करने में मदद करेगी और एविडेंस इकट्ठा करने में मदद करेगी। इनका 164 स्टेटमेंट जो है कोर्ट की ही इनफैक्ट मदद करेगी। इससे इन्वेस्टरों को भी बहुत जो है मदद मिल सकती है। आईएमए के इन्वेस्टरों को इसमें जो है इंसाफ मिलने की ज्यादा उम्मीद है और पैसा ज्यादा भी रिकवर हो सकता है, इसका मतलब ये है। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, चोर जो है मंसूर खान, उसने ऑब्जेक्शन भी डाला था लेकिन वो कोर्ट ने जो है उसको, उसकी ऑब्जेक्शन को जो है नामंजूरी देते हुए इन 6 लोगों को जो है सरकारी गवाह बनने की इजाजत भी दे दी है और इनको माफ करने का वादा भी किया है। अब माफी उनको वादा तभी मिलेगा, जब माफी तभी मिलेगी जब ये सरकारी गवाह बन के जो है ये स्टेटमेंट ट्रू फैक्ट्स देंगे, यानी कि सच्चाई जब बताएंगे तभी। तो ये एक जो है एक ये लगाया है, कंडीशंस लगाए हैं। तो खान हैज फाइल्ड कॉमन ऑब्जेक्शन टू दी एप्लीकेशन फाइल्ड बाय निजामुद्दीन एंड नवीद फॉर पार्डन, कंटेंडिंग दैट दोज एप्लीकेशन आर फॉल्स एंड अनटेनेबल एंड लायबल टू बी रिजेक्टेड विद कॉस्ट। एलिज दैट ही वॉज फॉल्सली अवेड एज एन अक्यूज। मंसूर खान की हिम्मत देखो, एक तो इसने आवाम को लूटा, अब ये कह रहा है कि नवीद और निजामुद्दीन जो है झूठे लोग हैं और ये लोग जो है इसको फंसाने की साजिश कर रहे हैं और इसके खिलाफ जो गवाह दे रहे हैं वो जो है झूठी गवाह है करके मंसूर खान ने ऐसा वादा किया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी नामंजूरी दे दी है। मंसूर खान की बात तो कोई नहीं मानने वाला। अगर कोर्ट अगर अग्री हो भी जाती है तो अल्लाह तो उसको माफ नहीं करने वाला, ना ही पब्लिक उसको माफ करने वाली है। वो चोर था, चोर रहेगा और वो पता नहीं कैसी मौत मरेगा, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। तुझे, तूने जो दाढ़ी टोपी पहन के जो तूने मुसलमानों का मजाक बनाया है, इस्लाम का मजाक बनाया है, तूने हदीस सुना के जो मजाक बनाया है, तुझे अल्लाह जरूर माफ नहीं करेगा। और जो है मुसलमान जो है तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, ये याद रख। खैर, मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि जो है आपके सामने जो भी अफवाहें फैलती हैं उन चीजों को ना देखे। मैं जो भी है फैक्ट्स पे बात करता हूँ और हर चीज का जो है आपके सामने जो है सबूत रख के आप लोगों के सामने जो है मैं वीडियो पेश करता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अफवाहों पे मत जाइए। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ और भी चीजें हैं कि मतलब आईएमए के जो 80 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज होने वाले हैं, बहुत जल्द होने वाला है। कोर्ट में भी एप्लीकेशन जो है आई थिंक मंडे या ट्यूसडे जैसे ही कोर्ट खुलेगा इंशाल्लाह जो है एप्लीकेशन जाएगा कि पैसे जो है आवाम को लौटा दिया जाए और 1 हफ्ते के अंदर जो है रिलीज हो जाए। और कुछ लोग जो है तरह तरह के जो अफवाह फैलाते हैं, मैंने जो बताया था वो स्टेटमेंट अलग है, मैंने सबूत भी जो है डिस्प्ले किया था, कोर्ट का ऑर्डर भी डिस्प्ले किया था कि 50,000 रुपये पिछली बार दिए थे आवाम को, इस बार भी जो है शायद देंगे करके मैंने बताया था, लेकिन ये नहीं कहा कि 50,000 देंगे। अब वो कोर्ट का फैसला है, उसमें हो सकता है बदलाव भी आ जाए, लेकिन आज के डेट में अगर आपका सीएमएस नंबर जाके ढूंढते हैं, आप अपना सीएमएस नंबर जाके देखिए, वहां पे सबमिट करके देखिए, उसका स्टेटस जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे 50,000 रुपये आपको जो है ड्यू दिखाई दे रहा है। तो 50,000 रुपये हो सकता है रिलीज हो जाए।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको फाइनल समझें, हो सकता है कि 1 लाख रुपए भी रिफंड करें कोर्ट, हो सकता है 2 लाख भी करें, हो सकता है 50,000 से कम 40,000 भी कर दें, वो हम बोल नहीं सकते कितना करेंगे, ये कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि कोर्ट की तौहीन होगी। हाँ, पिछली बार जो कोर्ट का ऑर्डर आया था वो 50,000 देने का ऑर्डर आया था, इस बार क्या होगा वो हम जो है जब कोर्ट से ऑर्डर आएगा तभी हम जो है आपके सामने बता पाएंगे। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत मांगता हूँ। सबसे पहले आपसे एक और एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज डाउन करें, सपोर्ट करें, हमारे चैनल का जो है यूट्यूब का गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059। कल हम लाइव कैंपेन चला रहे थे, हमारे चैनल को क्राउड फंडिंग के लिए कैंपेन किया था, उस कैंपेन में जो है हमें तकरीबन जो है 800 रुपये जो है कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है IMA के इन्वेस्टरों की तरफ से, 800 और 900 रुपये जो है हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है। तो कुल मिला के पूरा टोटल मार्च के महीने में जो है 3,550 प्लस अनदर टोटल जो है 3,000, पहले 1,150 था तो 3,150 हो गया, 2,000 मिला लो तो ओवरऑल जो है कल का पहले 400 रुपये आपके सामने ही जो है डिस्क्लोज हुआ था वो आया करके, उसके बाद भी डोनेशंस आए हैं 200 रुपये 200 रुपये, तो 800 रुपये हो गया और 500 रुपये आए हैं, सॉरी थोड़ी देर पहले 500 रुपये आए हैं, तो 800 प्लस 1,300 प्लस 1,150 इज 2,450 प्लस जो है 2,000 मतलब 4,450 मतलब ऑलमोस्ट 50% हमारा जो है टारगेट जो है हमने कैंपेनिंग के जरिए जो है डोनेशन इकट्ठा किया है। हमारा टारगेट है 10,000 रुपीज, अभी तक 4,450 रुपीज, कल का बात करेंगे तो 1,300 रुपीज हमें डोनेशन मिला है हमारे इस यूट्यूब चैनल को, 1,300 यस 1,300 हमें जो है डोनेशन मिला है, तो पूरा मिला के अगर आप बोलेंगे तो 4,450 हमें इस महीने में जो है 19 डेज में जो है हमारे YouTube चैनल को डोनेशन मिला है। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059। कल पावर जाने की वजह से हम लाइव प्रोग्राम जो है खत्म हो गया था और 10 मिनट हम लोग कैंपेन करने वाले ही थे, लेकिन फिर भी जो है फिर कहा कि फिर जाने से कोई मतलब नहीं है, इंशाल्लाह और जो है रमजान जब शुरू हो जाएगा उस दिन जो है हम फिर से जो है कैंपेन करेंगे और हमारा टारगेट जो 10,000 रुपीज हमारे यूट्यूब चैनल को जो हमें सपोर्ट चाहिए जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको बेयर करने के लिए, वो सपोर्ट के लिए हम फिर से अपील करेंगे करके हमने जो है फिर से लाइव आने का फैसला नहीं किया। जैसे पावर आया उसके बाद हमने ऐसा जो है फिर लाइव नहीं आए थे। खैर, अभी आपसे फिर से गुजारिश की जाती है, आजीजाना गुजारिश की जाती है कि आप IMA के इन्वेस्टर्स प्लीज आप हमारे चैनल की परेशानियों को समझे, हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। हमारा चैनल का जो है गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल का गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059। और मैं आप लोगों के सामने जो है स्क्रीन पर जो है आपको जो है एक ये भी डिस्क्लोज कर देता हूँ इंशाल्लाह। ओके, बैकग्राउंड बंद हो गया है। ओके राइट, जो भी है मैं आपको जो है हर चीज डिस्क्लोज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बैकग्राउंड तो है ही है। ठीक है, अभी आपके सामने जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारे गूगल पे फोन पे का नंबर 9880324059 और बैंक डिटेल्स भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे एयरटेल का बैंक है, IFSC कोड है, सब कुछ है। हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, डाउन करें, और अगर आप UPI के जरिए पे करना चाहते हैं फरहान रशीद @airtel पे आप जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भेज सकते हैं। ये क्राउड फंडिंग जो है फुल फेयर होगा, आपको हर बार जो है
डिस्क्लोज किया जाएगा कि कितना हमें जो है फंडिंग इकट्ठा हुआ है। अभी तक 4,450 रुपीज टोटल 19 डेज में, कल 1,300 हुआ था, अभी तक जो है 1,450 रुपीज इंक्लूडिंग लास्ट मंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन, समझ रहे। स्टार्टिंग में जो है 2,000 आए थे, वो भी मैंने जोड़ दिया है इसमें, क्या ताकि हिसाब क्लियर रहे। तो टोटल 10,000 रुपीज का हमारा टारगेट है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज डाउन करें, सपोर्ट करें। क्राउड फंडिंग इज इम्पोर्टेंट, हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कल का दिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा चैनल जो है रातों रात जो है फंड्स ना होने के वजह से हम आपको अपडेट्स नहीं दे पाए। क्रिटिकल मामला है, क्रिटिकल पोजिशन है, वरना हम इतना आपसे अपील नहीं करते। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है, हमारे गूगल पे और फोन पे के नंबर पे आप हमें सपोर्ट करें। हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर है 9880324059। कोई अगर बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने बैंक अकाउंट की डिटेल्स मौजूद हैं, या तो यूपीआई का आईडी भी वहां पे मौजूद है, फरहान रशीद अर्दिवेट एयरटेल। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस वीडियो को खूब वायरल करें और जो है हालात की नजाकत को समझने की कोशिश करें। फिलहाल मैं ज्यादा आप लोगों को का वक्त नहीं लूंगा, इस अभी मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। इंशाल्लाह आज रात को नए यूट्यूब चैनल, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में, नए चैनल की IMNews डिजिटल की, उस पर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ के साथ आपसे ये भी कहा जाता है कि 9 बजे रात को आपसे मैं बातचीत करने के लिए नए चैनल के जरिए आपके सामने जो है लाइव आने वाला हूँ, इसलिए उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए नया जो लिंक होगा वो भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपसे इजाजत मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। अल्लाह हाफिज।